मैं ओम प्रकाश मुंगला वैन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी पेरिस से आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूँ जिससे आप मिल के बहुत खुश होंगे। मेरे साथ में शीतल जी हैं और साथ में उनके कोच द्रोणाचार्य कुलदीप जी साथ में हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दो दिन से इनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, कल ये मुझे वहाँ मिल गया है जबकि मैं पहचानता भी नहीं था। और आज देखिए उनके साथ में मिलके मैं उनका एक इंटरव्यू लेके पूरे अपने दर्शकों को भारतवासियों के लिए देना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ शीतल देवी के बारे में। सिर्फ 17 साल की है, जम्मू से ये हैं और इन्होंने पहला एशिया कप हंगजाऊ में जो हुआ था 2022 में, वहाँ ये थी और इन्होंने भारत के लिए 2 गोल्ड और 1 सिल्वर प्रदान किया था। और शायद इतनी छोटी उम्र में हिंदुस्तान में किसी ने भी इतनी बड़ी उपलब्धि आज तक प्राप्त नहीं की है। और इनका सौभाग्य है कि आज ये पेरिस के पैरा ओलंपिक गेम में है। शीतल जी, आपकी यात्रा चाइना के हांगझोउ से लेके अभी पेरिस ओलंपिक तक कैसी रही और आपको क्या लगा? सर मेरी बहुत ही अच्छा रहा था, हांगकॉन्ग में भी बहुत अच्छा रहा था, चाइना में भी बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि मैंने 2 गोल्ड 1 सिल्वर जीता था। अब यहाँ पे आई हूँ पेरिस में पैरालंपिक गेम्स खेलने के लिए। बहुत खुशी का ये दिन मेरे लिए भी थी, इतनी छोटे समय में इतनी छोटी उम्र में मैं यहाँ पे खेलने आई हूँ, तो पूरी उम्मीद के साथ थे कि हम यहाँ पे भी बहुत अच्छा करें और अपने देश के लिए मेडल जीते। कुलदीप जी, आपको कहाँ पे मुलाकात इससे हुई और कैसे आपने समझा कि इसको आर्चरी में ले जाना चाहिए? सर मैं बताऊंगा शीतल देवी की जर्नी, आपको शॉर्ट में बताऊंगा। शीतल देवी के लिए मुझे एक फोन आया बेंगलोर से, एक जर्नलिस्ट है। देखो पहले तो मैं थैंक्स करूंगा कि जर्नलिस्ट आज हमारे देश का जो जर्नलिज्म है वो स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट कर रहा है कि मतलब उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, हर जगह वो पहुंच जाते हैं। और एक जर्नलिस्ट के माध्यम से ही शीतल देवी मेरे पास आई, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, प्रीति रॉय जो बेंगलोर से है, उनका मुझे फ़ोन आया, बोलती सर मैं प्रीति रॉय हूँ और एक जर्नलिस्ट हूँ और आपके यहाँ, आप जम्मू कश्मीर से हो और आप जम्मू कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी में कोच हो मुझे पता है, और आपके यहाँ किश्तवाड़ में एक बच्ची है जिसका नाम शीतल देवी है जो आर्मलेस है, जिसको दोनों हाथ नहीं है, क्या आप उसको आर्चरी करा सकते हैं? मैंने उनको ना सोचा ना कुछ, मैंने उनको बोला कि डेफिनेटली मैं उनको आर्चरी करा सकता हूँ, आप उनको मेरे पास में भेज दीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने शीतल को मेरे पास में आने के लिए बोला और वो मेरे पास में शीतल आई। और शीतल जब मेरे पास में आई, शीतल को भी लगता था क्योंकि बच्चे अकेडमी में हाथों से पकड़ के धनुष चलाते थे, लेफ्ट हैंड में वो होता था और राइट हैंड से खींचते थे, लेकिन शीतल को तो दोनों हाथ ही नहीं थे और वो जन्म से ही नहीं थे। तो शीतल वो देख करके थोड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे आर्चरी करूंगी, लेकिन मैंने शीतल को समझाया कि बेटे डेफिनेटली तुम आर्चरी कर सकती हो और वर्ल्ड में एक दिन इतना बड़ा इतना अच्छा करेगी कि पूरा वर्ल्ड शीतल ही शीतल बोलेगा। और वो आज दिन शायद सारा भारत और सारा वर्ल्ड मतलब शीतल को जानता है और शीतल अभी पैरालंपिक खेलने आई है, अभी हम पेरिस में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शीतल यहाँ पे जैसे एशियन गेम में शीतल ने मेडलों की झड़ी लगाई थी, मेडलों की हैट्रिक लगाई थी, और यहाँ भी मैं मतलब मुझे मेरी ट्रेनिंग के ऊपर और मेरे स्टूडेंट के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। जैसे कि इस पैरालंपिक के दौरान 6 आर्चर आए हैं जिसमें 6 में से 3 आर्चर मेरे ही है, सरिता और शीतल और राकेश, और मतलब मुझे 3 आर्चर से पूरे 6 के 6 आर्चर से पूरा उम्मीद है कि ये देश के लिए मेडल जीतेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुलदीप जी, क्योंकि क्या है कि आपको आर्चरी का शौक कब से लगा? सर मैं आर्चरी का शौक में जब इंडियन आर्मी में था तो मैं जब से ही मतलब आर्चरी करता हूँ, और मेरा आर्चरी का जर्नी एक कर्नल मोहन थे मेरी यूनिट में, उन्होंने मुझे मतलब प्रेरित किया आर्चरी के लिए। तो मैं आज कर्नल मोहन का जो राजस्थान से थे और वो इंडियन आर्मी की 12वीं बटालियन के मतलब कमांडिंग ऑफिसर होते थे और मैं उनके साथ था, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया और उन्होंने मुझे आर्चरी के लिए भेजा और मैं उनका धन्यवाद करूंगा। अगर कर्नल मोहन मुझे यहाँ नहीं भेजते तो
आज शीतल भी नहीं होती, और जो आज देश को इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां मतलब आर्चरी में मिल रही है, मतलब कुलदीप कोच के माध्यम से, क्योंकि मैंने मतलब देश को सैकड़ों मेडल दिए हैं, तो मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि माता रानी का, कि मुझे मतलब ऐसे मेरे सीनियर ऐसे मेंटोर मिले हैं जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है और मेरा साथ दिया है। जी दीप जी, अभी जस्ट ओलंपिक खत्म हुआ है सर, और भारत को, हम लोगों को सबको आर्चरी में उम्मीद थी कि भारत को अगली बार कोई ना कोई मेडल जरूर आर्चरी में मिलेगा, लेकिन हर जगह अपन चौथे नंबर पे रह गए। तो ओलंपिक के भी कोई आर्चर आपके कोच रहे हैं, उनके भी कुछ, और क्या कारण था कि अपन आर्चरी में ओलंपिक में हर समय पीछे हट जाते हैं? सर एक देखो समय की बात होती है, हमारे आर्चर आपने देखा होगा आज से नहीं है, अगर हम वर्ल्ड में बात करें इंडियन आर्चरी की तो सर हमारा सेकंड रैंक आता है, लेकिन ओलंपिक के टाइम पे मतलब हमारे मतलब हम चूक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे आर्चर वर्ल्ड में कम है, क्योंकि ऐसा कोई वर्ल्ड में एक ओलंपिक छोड़ के ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हमारे तीरंदाजों ने मतलब मेडल न जीते हो। रही इस ओलंपिक की बात में, इस ओलंपिक में हमारे मतलब सभी तीरंदाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और मेडल फाइट खेला है, तो ये सर बहुत बड़ी बात है, और डेफिनेटली जो अगला ओलंपिक आएगा उसमें हमारे आर्चर मेडल जीतेंगे, और सभी आर्चर एक मतलब प्रतिज्ञा के साथ गए हैं ताकि डेफिनेटली नेक्स्ट ओलंपिक में हम बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में जाना, क्वार्टर फाइनल के बाद सर सेमीफाइनल में जाना और ब्रॉन्ज मेडल के लिए मतलब मैच खेलना सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी तीरंदाज हैं, चाहे वो एबल कैटेगरी के हो चाहे पैरा कैटेगरी के हो, तो मतलब सभी लोग सर बहुत मेहनत करते हैं और सभी का यही उम्मीद रहता है कि मैं देश के लिए मेडल जीता हूँ। शीतल, आखिर में इतनी छोटी उम्र में, सच में कोई भी विश्वास नहीं करता है कि 17 साल की बच्ची ऐसा कमाल कर सकती है। तो भारत को, भारत के जितने स्पोर्ट्स फैन है, बहुत गर्व है, उनके लिए आप क्या विशेष संदेश देना चाहते हैं? मैं उनके लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते का पता जरूरी नहीं होता, बस भागने की हिम्मत होनी चाहिए। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात आज इसने, शीतल ने कही, और सच में, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भारत के लिए पहली बार ऐसा होगा कि आर्चरी में एक यहाँ पे अपने को गोल्ड मिले ओलंपिक के अंदर में। और मैं चाहता हूँ कि शीतल को पूरे हिंदुस्तान की कल दुआ भी रहे। 29 तारीख से इनका आर्चरी का यहाँ पे सब कार्यक्रम चालू होने वाला है, रैंकिंग वगैरह उसके बाद में होगा। सब दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि इंडिया में पैरा ओलंपिक को देखें और उसको कैसे अपने आगे दिखा सकते हैं उसके लिए भी ध्यान दें। मैं ओम प्रकाश मुंदड़ा, वैन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के पेरिस से, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।